सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज के बात कर लेते हैं मार्केट एनालिसिस वीडियो। निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी की प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और जो आज के डेट में जो मार्केट लेवल मूव किया, जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देखना, आप लोगों को सब पता लग जाएगा। मैंने साफ बोला था बैंक निफ्टी में कि मैं जो बियरिश हूँ इस रेड लेवल के नीचे हूँ, और उसके बाद से देखो मार्केट जो है अपसाइड जाते जा रहा है, ठीक है। और कल के दिन पे क्या हो सकता है वो मैं इसमें डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग एक्यूरेसी देख सकते हो पिछले वीडियोज में जाके, आप लोगों को पता लग जाएगा क्या एक्यूरेसी रहती है मेरी, ठीक है। अब ध्यान सुना करके डेट पर बैंक निफ्टी निफ्टी क्या क्या कर सकता है, हम लोग को कैसे काम करना है, क्या क्या हम लोग के लिए जो है क्रूशियल लेवल्स होंगे, ठीक है। आप लोग देख रहे हो कि मैंने जो है एक लेवल यहाँ ड्रॉ किया है, दो लेवल्स यहाँ ड्रॉ किए हैं, ठीक है, दो लेवल्स यहाँ ड्रॉ किए हैं। एक जो है मैंने जोन यहाँ ड्रॉ किया है, एक जो मैंने लेवल यहाँ ड्रॉ किया है, और एक लेवल यहाँ ड्रॉ किया है। चार लेवल, सारे लेवल्स कहीं ना कहीं अपने में बहुत क्रूशियल लेवल है। आपको मैं इसकी जो है लॉजिक बताता हूँ, ठीक है, वो ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप लोग देख रहे हो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है डाउन साइड के लिए, ठीक है। अब मार्केट का जो है, आप लोग अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़े होगे तो आप लोगों को पता होगा कि मार्केट का जो चोच बदलता है, मतलब चेंज इन कैरेक्टर, तो वो कब बदलता है, जब मार्केट मान लो आप लोगों को जब ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, वो हर एक बार अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, हर एक बार प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है। बट अगर एक बार भी अगर ऐसे जाता है और प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से मार्केट रिवर्सल देता है, तो आप लोग समझ जाओगे कि मार्केट का चेंज इन कैरेक्टर चालू हो गया है, ठीक है। आप लोगों को उस तरीके से जो है काम करना है। आप समझो यहाँ पे क्या दिखा रहा है मार्केट, शो क्या कर रहा है। देखो, मैं जो है कल के दिन पे क्या कर सकता हूँ वो मैं बताता हूँ, ठीक है। कल ट्यूसडे है तो कल एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, बिकॉज फिर निफ्टी की एक्सपायरी, और फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी बहुत अच्छी होती है हमेशा के तौर पे, ठीक है, जो फर्स्ट एक्सपायरी भी है। तो अब सुनना ध्यान से, अगर मार्केट इस रेंज में कहीं खुलता है, ठीक है, इस रेंज में कहीं खुलता है, इस रेंज में खुलकर निफ्टी फिफ्टी अगर डाउन साइड के लिए जाता है, तो मैं जो बियरिश पुट नहीं लूंगा, पुट जब तक नहीं लूंगा जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है, ठीक है। इसके नीचे भी जाएगा तो मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इसके नीचे जब तक नहीं जाता है तो मैं पुट नहीं लूंगा। अब ये जोन मैंने बनाया क्यों, ये बताता हूँ, ठीक है। ये जोन मैंने बेसिकली बनाया है कॉल लेने के लिए। अब यार ध्यान से सुनना, मार्केट क्या है, बुलिश है, ठीक है। तो अभी जब तक यहाँ के ये जो बायर से भागेंगे नहीं, जो सेल किए हुए हैं यहाँ पे पुट्स को, वो जब तक यहाँ से भागेंगे नहीं, सॉरी कॉल्स को, जब तक यहाँ से वो भागेंगे नहीं, तब तक मार्केट जो है बेरिश होगा नहीं, ठीक है। और अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, अगर आप लोग देखोगे तो जो बड़ा ट्रेंड है वो है डाउन साइड का, ठीक है, डाउन साइड का। लेकिन जो छोटा ट्रेंड है वो देखोगे तो छोटा ट्रेंड जो है अप साइड का है, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान देना। अब देखो, मार्केट में दो चीज़ें हो सकता है, या तो मार्केट अब एक फिर से एक चैनल बना रहा हो। चैनल कौन सा बना रहा होगा, इस चैनल ये वाला बना देगा मार्केट। अगर ऐसा होता है तो देखो मार्केट ये वाला चैनल भी बना सकता है, ठीक है। मार्केट अगर फिर खुलता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके, फिर यहाँ पे आके इस चैनल पे यहाँ से टकरा के फिर डाउन ऊपर जा सकता है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। चैनल को अपने जो है अपने आप लोग जो अपने स्क्रीन पर वो कर लेना, बना लेना, ताकि आप लोग को जो है कंफर्टेबिलिटी मिले और आप लोग चीज़ों को समझ पाओ, सीख पाओ कि कैसे मार्केट जो है काम कर रहा है, कैसे मोमेंटम दे सकता है, क्या मोमेंटम जो है मार्केट में एक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है। और ये लेवल जो अब देख लो, मैं मार्केट में कल कैसे काम कर सकता हूँ वो बताता हूँ। डाउनसाइड अगर यहाँ पे कोई भी बुलिश फॉर्मेशन या फिर यहाँ से कोई भी बुलिश फॉर्मेशन मिलता है, मैं एक बार जो है छोटा स्टॉप लॉस लगा के और ऊपर साइड का टारगेट जरूर लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर मार्केट जो है कल के दिन पे फ्लैट खुल के और अगर इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग मिलती है, छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, तो मैं पहला टारगेट रखूँगा ये 18822 का, सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 18700 का, ठीक है। तो ये मेरा रहेगा 19870 का, तो ये मेरा टारगेट रहेगा अपसाइड के लिए। अगर आप गैप अप खुलता है तो क्या होगा, गैप अप खुल के तो मार्केट पक्का यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और डाउनसाइड जाएगा, यहाँ तक का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट यहाँ तक दे सकता है, ठीक है। और अगर यहां पे खुल के थोड़ा सा स्ट्रेन करके और फिर डाउन साइड आता है, तो समझ लो भाई जैकपॉट यहां तक का मूव देखने को कल मिल सकता है। ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। तो अब चलो बात करते हैं कि अब गैप डाउन खुलता है तो क्या होता है। देखो, अगर गैप डाउन कहीं मार्केट फिर इस रेंज पे खुलता है, तो देखो आप वहां पे गैप डाउन पे थोड़ा सिनेरियो जो आप लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा। क्या ट्रैक करना पड़ेगा कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल के हल्का सा भी अपसाइड आता है, तो ये उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और अगर इसके ऊपर कैंडल करेगी तभी हम लोग कॉल का पोजीशन लेंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट, तो इस लेवल को ध्यान से रखना, इस जोन को ध्यान से रखना। मार्केट यहां से अपसाइड आएगा, फिर डाउनसाइड आ सकता है, ठीक है, यहां तक के लिए, फिर अपसाइड जाएगा। तो ये चीजों को ध्यान रखना। और अभी जो है मार्केट एक चैनल में घूम रहा है, इस चैनल को अपने जो है अपने आप लोग स्क्रीन पे जरूर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो मुझे दिख रहा है ना, वो निफ्टी से अच्छा नहीं दिख रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी में जो है हमको अभी दो तीन क्रूशियल चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहले तो निफ्टी निफ्टी जो है एक बहुत अच्छे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा है। बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दिया और मार्केट अपसाइड आया। अब देखो, बैंक निफ्टी में सिंपल सा ट्रेड है हम लोग का, कोई ज़्यादा लॉजिक कुछ नहीं है, क्या है वो समझ लेना। बुलिश किसके ऊपर मैं, इस ग्रीन लाइन के ऊपर। मैंने बहुत दिनों से आप लोग को बता रहा हूँ कि बुलिश मैं इस ग्रीन लाइन के ऊपर हूँ, ओके। आप लोग को जो चीज़ें बताता हूँ वो ध्यान से सुनना। अगर मार्केट कभी भी इस रेंज में खुल के मार्केट अगर ऊपर साइड को ब्रेक करता है, तो मैं कब तक कॉल साइड का ट्रेड नहीं लूँगा, जब तक मार्केट इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं करता है 18 45 800 के करीबन। कोई कैंडल अगर क्लोज कर दिया तो मैं जो है पहला टारगेट जो 100 पॉइंट का रखूँगा 45923 का। उसके बाद जो है मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा, तो वो अपसाइड के लिए जो अपसाइड के लिए लेवल फिर ऊपर का मेरा खुल जाता है ये वाला लेवल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मार्केट क्या होता है अगर इस रेंज में खुल के
मार्केट अगर ओपन होता है, इस रेंज में खुलता है, इस रेंज में खुलने के बाद यहाँ पे आता है, रिटेस्ट करता है और अपसाइड जाता है तो मैं कॉल की पोजीशन जरूर बनाऊंगा। अगर डाउनसाइड ब्रेक करता है तो मैं इस यहाँ पे कुछ कॉल की पोजीशन ढूंढूंगा, ऊपर साइड में जाऊंगा। ठीक है, ये लेवल जो है बहुत क्रूशियल लेवल है, इसको मैं जो है बहुत तगड़ा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि कैसे ये लेवल काम करता है, कैसे मैं हमेशा जब भी ट्रेड लेता हूँ तो उस लेवल से मार्केट बाउंस बैक करता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के इस ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है बाउंस बैक देख सकता है। मार्केट में बियरिश कब हुआ मैं बताता हूँ, मार्केट में बियरिश जब हूँ जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा और कुछ ऐसा प्रोजेक्शन बना के अगर डाउनसाइड आए तो मैं जो है बियरिश लेने के लिए तैयार हूँ, और इसके ब्रेक पे मैं जो है फुल्ली बियरिश होगा। मेरा डाउनसाइड का लेवल है ये लेवल है, देख लेना ध्यान से, ड्रॉ भी कर लेना। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दो।